गाइस आज हम ट्रैवल करने वाले हैं जम्मू कठुआ सुपरफास्ट में। एशिया गाड़ी है सुपरफास्ट JK02CM4515। तो भैया आप देखते हो वीडियोस मेरी? हाँ। अच्छा आज भी देख रहा था? आज भी देखी। अरे अरे यमो 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 हार्डली एंड गाड़ी आ गई पीछे वाली। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल मोहितोग्राफ व्लॉग्स। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ कठुआ के हेडली मोड़ चौक में एंड भाई वो जा रही है सामने जम्मू कठुआ सुपरफास्ट। मजे की बात ये है कि भाई इससे जो नेक्स्ट बस आने वाली है ना, हम आप सभी भी मेरे साथ उस बस में जाने वाले हो जम्मू की ओर, मतलब सांबा की ओर। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं कठुआ से लेकर सांबा तक, क्योंकि काफी सारी डिमांड्स आ रही थी कि भाई जम्मू कठुआ सुपरफास्ट में व्लॉग बनाओ। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, जो भी ड्राइवर भाई मेरी वीडियो देखते हैं भाई बस बिल्कुल भी स्पीड में नहीं चलानी है। मैं किसी भी प्रकार की स्पीड या रैश ड्राइविंग को सपोर्ट नहीं करता हूं, तो गाड़ी बिल्कुल भाई सेफ तरीके से चलानी है। बाकी हमारे जम्मू कठुआ रूट पे कुछ 10% ड्राइवर ऐसे हैं जो रैश ड्राइव करते हैं एंड सारे भाई फिर सबको गलत समझते हैं, लेकिन सारे गलत नहीं होते। तो इसलिए भाई स्पीड के मामले में मैं किसी के साथ नहीं हूँ, रैश ड्राइविंग के मामले में किसी के साथ नहीं हूँ। मैं यही बोलता हूँ हमेशा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। लेकिन भाई बस जर्नीस मेरे को पसंद है, इसलिए मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ और आप सभी को भी पसंद है। एंड भाई फिलहाल एक और चली गई। तो भाई देखते ही देखते यहाँ पे सारी बसेस निकलती जा रही हैं, सुंदर सुंदर बसेस। तो हम भी कोई सुंदर सी बस पकड़ते हैं एंड चलते हैं सांबा। आज मौसम भी काफी ज्यादा सुहाना है, आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई बारिश की बूंदें गिर रही हैं धीरे धीरे करके। जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि जम्मू कठुआ सुपरफास्ट पकड़नी हो तो हडली मोड़ में भाई भागते हुए पकड़ने पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बस रुकती नहीं है। बस सीधा रुकती है कालीवड़ी जाके 5 मिनट और उसके बाद रवाना हो जाती है जम्मू की तरफ। तो गाइस मेरा तो एग्जाम है सांबा में, इसलिए जा रहा हूँ और मैंने सोचा साथ में व्लॉग बन जाएगा। और मेरे जीजू भी घर आए हैं छुट्टी, तो मैंने उनको बोला आप भी चलो मेरे साथ, बोलते बाइक लेके चलते हैं। मैंने बोला नहीं जीजू बाइक लेके जाएंगे तो व्लॉग नहीं बन पाएगा जम्मू कठुआ सुपरफास्ट का, तो इसलिए वो भी चाह रहे हैं मेरे साथ, वो आने वाले हैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। फिलहाल ये जा रही है एक एशिया। तो गाइस ये आई है एशिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ी बात बनाई। अच्छा तो ये है भैया गाड़ी चला रहे, भैया हेलो कर दो सबको। तो आज हम जा रहे हैं भाई सांबा की ओर और ये बस है राजधानी लिखा आगे पर सुपरफास्ट है, एशिया गाड़ी है और गाड़ी पूरी खाली है पीछे से। तो भैया आप देखते हो वीडियोस मेरी? हाँ। अच्छा आज भी देख रहा था? आज भी देखी। तो आपने सोचा नहीं होगा वो वाली देख रहा है, वो जोधपुर। अच्छा रथोड़ ट्रेवल्स की। आपने सोचा नहीं होगा आज आपकी बस की बन जाएगी। देखता हूँ फेसबुक पे। अच्छा 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 भैया। तो ये भैया कंडक्टर बस के एशिया गाड़ी के, अभी कालीबेड़ी रुकेगी ना। तो गाइस कालीबेड़ी रुक के आपको बस दिखाता हूँ बाहर से।
गाइस आज हम ट्रैवल करने वाले हैं जम्मू कठुआ सुपरफास्ट में। एशिया गाड़ी है सुपरफास्ट JK02CM4515 एंड ये बिल्कुल लेटेस्ट बस है भाई, फ्रेश गाड़ी है। तो हम जाने वाले हैं सांबा, अभी गाड़ी खड़ी है कालीबड़ी चौक में और देखते हैं कैसे पहुँचाते हैं। बाकी ड्राइवर भैया भी अपने सब्सक्राइबर निकले और दिल खुश हो गया यार देख के। तो ये कुछ इस तरह से गाड़ी है पूरी, तो चलते हैं फिर अंदर। एंड भाई बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है जैसे कि आप देख सकते हो, इसके व्हील कैप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं एंड कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है गाड़ी। तो पीछे गाइस दूसरी भी आ गई है। तो गाइस नामदेव भाई इसके पीछे वो तो चलेगी, लेकिन अभी ज्योति आई है तो गाड़ी अभी रुके 5 मिनट ही है हार्डली एंड गाड़ी आ गई पीछे वाली। और इसकी भी लाइट्स ऑन है और जिसमें हम बैठे हैं इसकी भी फ्रंट लाइट्स ऑन है एंड अभी हमारे वाली रवाना होगी जम्मू की तरफ। गाइस अभी हम जस्ट कालीबड़ी से निकले हैं भाई, कालीबड़ी खड़े खड़े और अभी तक लगभग 10 सुपरफास्ट आ गई है कठुआ की तरफ। मतलब एक बस के पीछे दूसरी आती रहती है। तो इस रूट पे ना ट्रांसपोर्टेशन की कमी नहीं है भाई, हमने ट्रैवल कर रहा हूँ आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, रोडवेज हैं, सुपरफास्ट हैं, मतलब आराम से ट्रैवल कर सकते हो आप। तो ये जो फ्लाईओवर है ये बिल्कुल नया बना है, लेकिन हमारी गाड़ी इस फ्लाईओवर को स्किप करेगी और साइड से जाएगी क्योंकि इसका स्कोप है आगे। कैबिन राइड करना किस चीज़ को पसंद है, कैबिन में बैठ के ट्रैवल करना किस चीज़ को पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। भाई मैं तो पीछे जा रहा था लेकिन ड्राइवर भैया सब्सक्राइबर निकले तो इसलिए कैबिन में बैठ के व्लॉग बनाने लगा, और कैबिन में बैठना मेरे को भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। गाइस जब भी मैं जम्मू की ओर ट्रैवल करता हूँ ना तो भाई मेरे को ये वाली लोकेशन है ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है भाई, इतनी सुंदर लगती है क्या बताऊँ आपको। अभी तो यहाँ पानी नहीं है ना, जब पानी होता है ना बरसात के दिनों में देखना इस लोकेशन की खूबसूरती को। और यहाँ पर मेरे को लगता है न्यू ब्रिज भी बन रहा है क्योंकि मैंने न्यूज़ में सुना था कि ये ब्रिज बस रहा है भाई। लो जी गाड़ी का एक और स्टॉप एंड सामने एक और सुपरफास्ट।
यहाँ पे भी भाई फ्लाईओवर का काम लगा हुआ है, तो इसलिए हमारी गाड़ी जाएगी साइड वाले रोड से एंड गाड़ी का भाई आगे स्टॉप। एंड देखिए भाई यहाँ पे भी पिलरों का काम लगातार चल ही रहा है भाई, तो जोरों शोरों से चल रहा है NHAI का काम हमारे जम्मू कटरा रूट पे। और यहाँ पे क्योंकि जम्मू कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे भी बन रहा है ना, तो उसी के अंतर्गत ये काम भी चल रहा है मेरे को लगता है। बाकी देखो जब ये बनेगा तो रोड की खूबसूरती आप सभी देखोगे मेरे ब्लॉग्स में। तो भाई ये गाड़ी वो है नामदेव, जो जब हम कालीबाड़ी रुके थे तो ये हमसे आगे गई थी। अब ये दोनों ही चलेंगी भाई आगे पीछे देखते रहना इस व्लॉग में। एंड पीछे ज्योति भी आ रही है एक। तो कैबिन तो भाई इस गाड़ी का पूरे फ्लावर्स लगा के पूरा डेकोरेट किया गया है, सुंदर लग रहा है भाई। चलो जी वन मोर डाइवर्जन। इस रूट पे आपको भाई डाइवर्जन ही डाइवर्जन देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है क्योंकि आगे वाली गाड़ियाँ भी इसी रूट पे आ रही हैं, सेम रूट पे। तो गाइस यहाँ पे जो साइड पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड ब्रिज था जो हमें जम्मू की तरफ लेके जाता था, उसको पूरा भाई कोलैप्स कर दिया गया है। एंड ये बैठे सामने मेरे जीजू जी, तो वो जो ब्रिज है उसको कोलैप्स कर दिया गया है एंड उसकी जगह न्यू ब्रिज बन रहा है। एंड अभी हम जिस ब्रिज पे जा रहे हैं ये भाई जम्मू से कठुआ की तरफ आने वाला है, लेकिन हमें मतलब रॉन्ग वे चलना पड़ रहा है क्योंकि डाइवर्जन बनाई है इन्होंने यहाँ पे भी। तो गाइस जो वो गाड़ी थी ना नामदेव, वो हमारे गाड़ी के बिल्कुल ही पास आ गई है अभी, तो बिल्कुल जस्ट फ्रंट में जा रही है अभी, और बीच में थोड़ा ट्रैफिक है। एंड बिल्कुल ही भाई सामने वो देखिए सामने चल रही है। यहाँ से अभी भाई हमारा रूट फिर से मतलब डाइवर्जन ख़त्म हो रही है यहाँ पे, और नामदेव जा रही है भाई आगे वो सामने। तो जी अभी हमारी गाड़ी पहुँची है दयाला चक में। दयाला चक वो जगह है जहाँ से मतलब बिलावर को भी रास्ता जाता है, और यहाँ पे भी गाड़ी रुकेगी 5 मिनट। एंड सामने लगी है भाई मन्नू फ्लाई जो कि नामदेव, वो सामने लगी है। एंड ये अभी यहाँ से रवाना हो जाएगी, फिर इसके पीछे पीछे हमारे वाली भी आ जाएगा। एंड सामने देखिए भाई खूबसूरती, मौसम देखिए कितना सुंदर है, और यही रास्ता जाता है भाई बिलावर की तरफ। उतरी है
तो गाइस हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। भैया थैंक यू भाई, ये इस गाड़ी को पास करके हमारी वाली आ गई। कैसा लगा जम्मू कठुआ सुपर वाइज में ट्रैवल करके? आज के ब्लॉग में बस इतना, उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वाला ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपने ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भगवान कृपा करें, शुभ होता था।